कोरोना वायरस का खतरा देखते हुए सीएम योगी ने पहले चरण में प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए। इसके बाद भी लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करने में कोताही बरतते हुए नजर आए। इसके मद्देनजर अब प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। यूपी के गाजियाबाद जिले में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रशासन की ओर से अगले 2 घंटे के भीतर पूरी तरह से शहर को लॉकडाउन करने का आदेश दे दिया गया। इस बीच लॉकडाउन कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की तरफ से 20 FIR दर्ज की गई, जबकि 500 वाहनों का चालान काटा गया। वहीं लॉकडाउन के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर पूरे शहर को लॉक कर दिया है। लोगों को सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार समझा रही है। वहीं दूसरी तरफ SSP कलादी नैथानी ने निर्देश जारी कर कहा कि अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उसके साथ कड़ाई बरती जाए, दोबारा गलती करने पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कलाजी नथानी SSP गाजियाबाद, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है 23, 24 और 25 मार्च का, इसको कृपया इसको बहुत ही गंभीरता से लें। ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया गया एक डिसीजन है और आप सबकी सुरक्षा के लिए ही है। COVID-19 जो वायरस है, इससे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसीलिए लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों तक सीमित रहें। बहुत ही आवश्यक वस्तु या बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में ही अपना मूवमेंट करें। कहीं पर भी 5 लोग या उससे अधिक का जमावड़ा हम लोगों को दिखाई न दें। मैं लोगों से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि अपने घरों में रहें यथासंभव और अनावश्यक विचरण ना करें। और मैं फोर्स को भी ये ऑर्डर दे दिया गया है कि वो लाउड स्पीकर आदि से भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यदि कोई बिल्कुल नहीं मानता है तो हम लोग IPC अंतर्गत धारा 188 कार्रवाई भी करने पर अमल कर रहे हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल भी अनावश्यक मूवमेंट ना करें। दूसरा पॉइंट यह है कि लोग सोशल मीडिया पर अनावश्यक भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इन सब बातों पर नजर रखे हुए हैं, और कहीं पर कोई भी इस तरह की अफवाह जिससे जनहानि हो सकती है या कोई भ्रांति फैल सकती है, उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। इसलिए इस बारे में भी लोगों से अपील है कि इस तरह का कोई भी भ्रामक तथ्य सोशल मीडिया पर उसको फॉरवर्ड ना करें, ना ही प्रसारित करें। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, वहीं गाजियाबाद में भी लॉकडाउन हुआ है, जिसके चलते गाजियाबाद पुलिस लगातार ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लोग गाड़ियों से अपने गणतंत्र को निकलने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस उनको समझाने बुझाने का लगातार कार्य कर रही है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से गाजियाबाद की सीमाओं को लॉक कर दिया गया है। लॉक का मतलब है कि लॉकडाउन करना, और यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ गाड़ियों का जाम लग गया है। लोगों को जागरूक करने का पुलिस लगातार कार्य कर रही है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। सभी तरीके से ये चाहते हैं कि लोगों को समझाया बुझाया जाए, और इसी के चलते लगातार यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है कि गाजियाबाद कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की उस पोजीशन पे आया है, जिसके चलते लगातार पुलिस लोगों को माइक के द्वारा भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। हालांकि यहाँ जाम की स्थिति लगातार जाम बन लग चुका है। लोगों को मुरादाबाद से दिल्ली तक जाना है किसी कारण से, फिर भी लोगों को रोकने का उनको बोला जा रहा है स्पेशली तौर पर कि आप ईस्टर्न पेरिफेरल से कहीं भी जा सकते हैं, मगर बीच शहर से निकलना वाजिब नहीं है और वर्जित है, जिसके चलते लगातार लॉकडाउन के चलते लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए लॉकडाउन को लेकर, तमाम तरह के एहतियात पुलिस यहां बरत रही है, सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को समझाने का भी कार्य कर रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले में लॉकडाउन के चलते हमारे साथ यहां मौजूद है सीओ साहब मौजूद है, थोड़ा सा जाएंगे लॉकडाउन के लोगों को किस तरीके से समझाने का लगातार कार्य कर रहे हैं और लोगों को समझाने के लिए लोगों को क्या क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। सर एक बार जरा, सर जिस तरीके से यहां जाम लगा है, आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कैसे लोगों को समझाया जा रहा है? जाम नहीं लगा हुआ है यहाँ पे इनकी सुविधा के लिए पुलिस खड़ी हुई है, इनकी मदद के लिए यहाँ से इनको यू टर्न दिया जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में बॉर्डर सील है। इनको यू टर्न के द्वारा इनको एक्सप्रेस वे पे चढ़ाया जा रहा है, पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे, और वहाँ से ये फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। जो आवश्यक गाड़ियाँ हैं, रोजमर्रा की चीज़ें, दूध सब्जी राशन, उनको अलाउड है, वो आ सकते हैं। कोई मरीज है वो भी अलाउड है। हम लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी काम करेंगे तो उसको एहतियातन ध्यान रखते हुए करेंगे, और बाकी जो अनावश्यक की गाड़ियाँ हैं
जिनको ऐसे ही सामान्य से काम है उनको सीधे पेरिफेरल पे भेजा जा रहा है, अपने अपने गंतव्य स्थान को जाए। क्योंकि हालांकि कप्तान साहब का मानना है कि कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कड़ाई से पालन किया जा रहा है, बस जो एहतियातन जो शासन प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है, उन गाइडलाइंस पे काम किया जा रहा है और सब कड़ाई से ही पालन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का मानना है कि लोगों को समझाने बुझाने का कार्य लगातार जारी है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने गंतव्य के लिए एरिफेरल का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को सुविधा ना हो, लॉकडाउन के चलते लोगों को समझाने बुझाने का कार्य लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मासिदी के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद।